इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की है। तो महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की है। और देखिए, पिछले कुछ समय से घाटी में लगातार आतंकी जो हैं वो हमला कर रहे हैं, घाटी को आतंकी निशाना बना रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी हमला बोला है और कहा है कि आतंकी हमले पर किसी की जवाबदेही नहीं है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की है। सर, राहुल गांधी के वीजे को आपने नहीं लगाया। तो महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि आखिर आतंकी हमले पर किसकी जवाबदेही होगी। देखिए, एक तरफ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, दूसरी तरफ आतंकी लगातार घाटी में कोशिश कर रहे हैं कि वो घाटी को किस तरह से दहला सकें। और ऐसे में एक और आतंकी हमला हुआ है जिसमें कैप्टन समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने इस पर हमला बोला है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर यू नो बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली। उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल क्यों, क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं।